प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड सत्र 2017 का जो पेपर आया है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसको मैं हल कर आपको भेज रहा हूँ। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र तीन भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग में 10 प्रश्न हैं जो कि अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। द्वितीय खंड में 10 प्रश्न हैं जिनमें से आपको 5 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। द्वितीय तृतीय खंड में 6 प्रश्न हैं जिनमें आपको प्रत्येक खंड में से 1 प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। खंड ऐसे, पहला प्रश्न है, तारिक उल हिंद के लेखक कौन थे? विद्यार्थियों, इस पुस्तक के लेखक फारसी इतिहासकार अलबरूनी थे। इस पुस्तक से मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी के समय उत्तरी भारत की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 2, तराइन का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? इसका उत्तर है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान विजय रहा। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध की जानकारी जयानक की पुस्तक पृथ्वीराज रासो तथा अलबरूनी की पुस्तक तारिख उल हिंद से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण कब किया? उत्तर है विद्यार्थी, इसका यह युद्ध 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के राणा रतन सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी पुस्तक पद्मावत से प्राप्त होती है। इस पुस्तक में इस युद्ध में राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ एवं उसकी पत्नी पद्मनी ने सामूहिक रूप से जौहर का आयोजन किया था। प्रश्न नंबर 5, मुमताज महल के बारे में क्या जानते हो? यह मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम थी। इसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था जिसे भारत का दाम्पत्य जीवन का स्मारक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, जफरनामा के लेखक कौन थे? इसके लेखक सिख गुरु अर्जुन देव सिंह थे। जफरनामा को विजय पत्र भी कहा जाता है। 1705 ईस्वी में औरंगजेब के लिए यह पत्र गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया जिसमें सिख विजय का वर्णन प्राप्त होता है। दीन ए इलाही से क्या तात्पर्य है? दीन ए इलाही मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रचलित एक धर्म था जिसका उद्देश्य सामान्य जनता में नैतिक कल्याण करना था। इसी धर्म को पगड़ी बदल धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म की स्थापना 1582 में अकबर द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 8, जात और सवार से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थियों, संतलत काल में सामंती सैनिक व्यवस्था को अपनाया गया था। जात का तात्पर्य है राजकीय घोड़ा, अर्थात उस घोड़े पर राजकीय चिन्ह दागना अथवा चिन्ह लगाना जात कहलाता था। सवार का अर्थ है सैनिक की शारीरिक विशेषताओं को एक रजिस्टर में इंद्राज किया जाता था जिससे सेना में होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सके। प्रश्न नंबर 9, मध्यकाल में भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलित थे? मध्यकाल में भारत में सूती वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, खनिज उद्योग प्रमुख माने जाते थे। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मलमल का उत्पादन होता था। बंगाल में सबसे अधिक मलमल अथवा रेशम के कपड़े का उत्पादन होता था। उत्तरी भारत में सूती कपड़ा उद्योग धंधा सबसे अधिक प्रसिद्ध था। सामान्य जनता का मुख्य उद्योग कृषि था। प्रश्न नंबर 10, ट्रेवल्स
इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक फ्रांसीसी इतिहासकार बर्नियर था। इस पुस्तक से सांझा की मृत्यु, उसके बड़े पुत्र दारा के गुण, दुख यात्राओं, सुजा की दयनीय स्थिति, मुगल शाही हर्रम, मुगल प्राणियों के अत्याचार, जहां आरा का चरित्र चित्रण, मुगलों की सामग्री व्यवस्था, दिल्ली, आगरा, कश्मीर आदि का वर्णन प्राप्त होता है। खंड द्वितीय, प्रश्न नंबर एक, तुर्कों के विरुद्ध पराजय के कारण लिखिए। पहला कारण था उत्तरी भारत के राजाओं में आपसी शत्रुता का होना, दूसरा राजनीतिक कमजोरी, तीसरा सैनिक कमजोरी, चौथा तुर्कों के द्वारा छल कपट नीति का प्रयोग करना तथा तुर्कों की महत्वाकांक्षा। प्रश्न नंबर दो, बलबन का राजस्व सिद्धांत क्या था? बलबन का राजस्व सिद्धांत लौह और रक्त की नीति पर आधारित था। बलबन ने खोई हुई ताज की प्रतिष्ठा को समाप्त नहीं की, बलबन ने दरबार में अनुशासन को बनाए रखा, कठोर दंड नीति का प्रयोग किया तथा दाग और हुलिया की नीति को प्रारंभ की। इसी के साथ धर्म अधिकारियों को राजनीति में हस्तक्षेप का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अतः बलबन ने संतलत काल में सर्वोच्चता को स्थापित किया। सभी लोग बलबन से भयभीत रहते थे, जिसकी जानकारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर तीन, तालीकोट का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? विद्यार्थियों, तालीकोट का युद्ध 26 जनवरी 1565 को हुआ। यह युद्ध बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य विजय रहा और विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था। प्रश्न नंबर चार, पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में लिखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 12 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर विजय रहा। इस विजय के कारण भारत में संतलत युग की समाप्ति हुई एवं मुगल वंश की स्थापना हुई। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार अस्थायी तोपखाने का प्रयोग किया गया तथा इस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर पाँच, जहांगीर की धार्मिक नीति क्या थी? जहांगीर ने अपने पिता अकबर की धार्मिक नीति पर चलने का प्रयास किया, परंतु ऐसा नहीं कर पाया और मार्ग से भटक कर ऐसे कट्टरपंथी नीति को अपनाया। उसने गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने का प्रयास किया, प्रसिद्ध हिंदू कांगड़ा मंदिर को तोड़ा, जैनियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और हिंदुओं के प्रति भी विश्वास नहीं था। प्रश्न नंबर छः, महाबत खां के विद्रोह के कारण लिखिए। महाबत खां मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च सेनापति था। वह कुशल राजनीतिज्ञ था। खुर्रम के विद्रोह का दमन करने में उसकी अनिवार्यता स्पष्ट हो गई थी, फिर भी महाबत खां महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। सम्राट के अतिरिक्त अन्य किसी के आदेश को नहीं मानता था। नूरजहां अपने दामाद शहरयार को मुगल बादशाह बनाना चाहती थी। जहांगीर ने नूरजहां पर विश्वास किया, इसलिए महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध सैनिक विद्रोह कर दिया था। प्रश्न नंबर सात, शिवाजी की असफलता के कारण। नंबर एक, शिवाजी की अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना, मराठों की लूटपाट नीति का होना, कूटनीतिक कमजोरी का होना, तोपखाने का प्रयोग न करना, उचित गुप्तचर व्यवस्था का अभाव होना, उत्तर भारत में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करना। प्रश्न नंबर आठ, मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक समन्वय क्या था? संतलत काल में हिंदू धर्म का प्रभाव रहा है, परंतु मुगल काल में हिंदुओं के साथ समानता का व्यवहार किया गया। मूल रूप से मध्यकाल में अनेक धार्मिक संतों जैसे कबीर, रैदास, मीरा,
वल्लभाचार्य, शंकराचार्य आदि संतों ने भारत की धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने का प्रयास किया और धर्म में आई कुरूतियों का विरोध किया। जनसाधारण ने भी संतों की बात को स्वीकार किया था। प्रश्न नंबर 9, सूफी संतों के योगदान को बताइए। सूफी संत का उदय इस्लाम धर्म से ही माना जाता है। सूफी संतों का मूल उद्देश्य था हिंदू और इस्लाम धर्म के मध्य जो धार्मिक शत्रुता थी उसमें समन्वय की भावना का विकास करना। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म की बुराइयों पर भी प्रहार किया। इनका मूल उद्देश्य था जनता में नैतिक कल्याण का विकास किया जाए तथा सभी धर्मों की अच्छी बातों को स्वीकार किया जाए। सभी धर्मों का उद्देश्य अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का है, अतः सभी धर्म उचित हैं। इस्लामिक राजस्व सिद्धांत क्या था? इस्लामिक राजस्व सिद्धांत का मूल स्रोत धार्मिक पुस्तक कुरान थी। संतलत काल में उलेमा वर्ग जिसमें समस्त धर्म अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था जैसे मुल्ला जी, मौलवी आदि को राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। इसे ही सर नियम माना गया था, अर्थात कुरान के नियमों को सरा और शरीयत के नाम से जाना गया है। जो भी कानून बनेगा वह कुरान के सिद्धांतों के अनुसार ही बनेगा, अतः इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार हिंदू धर्म के लोगों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। तृतीय खंड, प्रश्न नंबर 1, दिल्ली संतलत के लिए इल्तुतमिश के योगदान को लिखिए। उत्तर भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना गया है क्योंकि इल्तुतमिश के द्वारा ही दिल्ली को स्थायी राजधानी का दर्जा दिया गया। साथ ही चालीसा मंडल जैसे सुनियोजित दरबार का गठन किया गया। इसी के साथ उसने अपने शासनकाल के दौरान टका और जीतल नामक दो मुद्राओं को प्रचलन किया। यह सभी कार्य ऐबक नहीं कर सका। दिल्ली संतलत की सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश के द्वारा निम्न कार्य किए गए। विरोधी तुर्कों का दमन करना, चालीसा मंडल का गठन करना, यल्दोज का दमन करना, कुबाचा का दमन करना, मंगोल आक्रमणकारियों से उत्तरी पश्चिम भारत की सुरक्षा करना, बंगाल पर विजय प्राप्त करना, पंजाब के खोखर जाति का दमन करना, राजपूत एवं हिंदू सरदारों की स्वतंत्रता को समाप्त करना, खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना, इल्तुतमिश का योग्य चरित्र का होना। प्रश्न नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति पर प्रकाश डालिए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस योजना को लागू करने का उद्देश्य था कि विशाल सेना बनाए रखने तथा सैनिकों को नकद वेतन देने से राजकोष पर भारी दबाव न पड़े, सैनिकों को कम वेतन दिया जाए परंतु उसका जीवन आराम से गुजर सके। इसलिए दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं के भाव निर्धारित किए गए। इतिहासकार फरिश्ता ने कहा है अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारी वर्ग तथा चालकों के विभिन्न साधनों का प्रयोग से वस्तुओं के मूल्य में हो रही वृद्धि को रोकना था। समान मूल्य की कमी रखना नहीं था। सुल्तान की नई बाजार नीति के अंतर्गत दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, चावल, तेल, गुड़, शक्कर, कपड़ा, दास दासी, घोड़े, गाय भैंस, बकरी बकरा, मांस मछली और सब्जियों के भाव निर्धारित किए गए। सुल्तान ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मंडियों की स्थापना की। इस मंडी को सेना मंडी के नाम से जाना गया है। प्रत्येक मंडी के प्रत्येक वस्तु के भावों को निर्धारित रूप से तय किया गया और उनको एक सामान्य पट्टियों पर लिखवा दिया गया।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के लिए निम्न कार्य किए गए। सुल्तान ने दिल्ली में पहली बार राशनिंग प्रणाली की स्थापना की। सुल्तान ने व्यापारी जातियों जैसे मुल्तानी व्यापारियों, बंजारा व्यापारियों को दिल्ली परिधि के आसपास बसाया गया ताकि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की कमी ना रहे। सुल्तान ने व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए राजकीय व्यापारियों को ऋण दिया गया। सुल्तान ने दिल्ली के आसपास के किसानों को उचित सुख सुविधाएँ प्रदान की। सुल्तान ने इस नीति को लागू करने के लिए कठोर कानून व्यवस्था की स्थापना की ताकि कोई व्यापारी काला बाजारी ना कर सके। प्रश्न नंबर 3, अकबर की उपलब्धियों पर लेख लिखिए अथवा अकबर की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। विद्यार्थियों, मुगल बादशाह अकबर ने भारत पर 1556 से 1605 तक शासन किया है। अकबर भारत का प्रथम शासक था जिसने भारत में उदारवादी नीति का प्रयोग किया। हालांकि अकबर से पूर्व समस्त प्रकार के सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने अपनी धर्मांध नीति का प्रयोग किया है, परंतु अकबर का उद्देश्य था भारत की सर्वोच्चता को प्राप्त करना। अकबर का राज्याभिषेक बैराम खां के सहयोग से कालानूर नामक दुर्ग में हुआ। बैराम को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। अकबर द्वारा निम्न कार्य किए गए, अफगानों का दमन करना, पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त करना, बैराम खां का पतन, अकबर द्वारा हर्रम से प्रभाव से मुक्त होना, राजपूतों के प्रति उदारवादी नीति का प्रयोग करना, अकबर द्वारा धार्मिक सहिष्णुता का प्रयोग करना। अकबर ने जनता में नैतिक कल्याण के लिए 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करना। अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए निम्न राज्यों पर आक्रमण किया, जैसे मालवा विजय, मेड़ता पर मुगलों का अधिकार करना, गोडावन पर विजय प्राप्त करना, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करना, रणथंबोर पर विजय प्राप्त करना, गुजरात पर अभियान करना, बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करना। अकबर ने दक्षिण भारत पर भी विजय अभियान किया था, जैसे खानदेश पर आक्रमण करना, अहमदनगर पर आक्रमण करना, गोलकुंडा पर आक्रमण करना, सलीम के विद्रोह का दमन करना। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति पर लेख लिखिए। औरंगजेब के राजत्व का आधार इस्लाम और शासन का आधार कुरान था। उसने अपने शासन के प्रारंभिक काल में कट्टर सुन्नी धर्म की उन्नति के लिए कदम उठाए थे। उसने इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित किया। इसके प्रसार को भी सभी सुख सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई थी। उसके यहाँ के लोग इस्लाम धर्म से दीक्षित होते थे। शासन का प्रबंध कुरान के निर्देशानुसार होता था। उसने गैर मुसलमानों को राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिया था, इसलिए भारत में हीनता की भावना का उदय हुआ। बादशाह औरंगजेब ने गैर मुसलमानों के रीति रिवाजों पर कठोर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम कानून को जारी रखा। भांग की खेती, फारस के नववर्ष पर उत्सव को मनाने पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। दरबार में गाने बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया। सम्राट द्वारा अपने जन्मदिन पर तुलादान तथा झरोका दर्शन को बंद किया गया। राज्य के हिंदू शाही पद को हटाया गया। मुस्लिम ज्योतिषियों को ऊंचे पद दिए गए। औरंगजेब ने देश में इस्लाम की स्थिति को पहुंचाने के लिए जो कि अकबर से पूर्व थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति के निम्न तत्व हैं, हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ना, जजिया कर को पुनः लागू करना, इस्लामी कानून को मान्यता देना, हिंदू राज्यों पर आक्रमण कर उसे इस्लामिक राज्य घोषित करना,
ब्राह्मण वर्ग के लोगों एवं गांव के मुकदमों को निम्न राजकीय पद देना ताकि उनका धर्म अपमानित हो सके, हिंदुओं को हथियार रखने और घुड़सवारी पर कठोर प्रतिबंध लगाना, हिंदू उत्सवों, हिंदू मेलों और धार्मिक उत्सवों पर कठोर प्रतिबंध लगाना। औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति के निम्न परिणाम रहे हैं: जाटों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह, राजपूतों का विद्रोह, मराठों का विद्रोह, मारवाड़ को खालसा राज्य स्थापित करना। प्रश्न 6 है, मध्यकाल में स्थापत्य कला पर निबंध लिखिए। तुर्क स्थापत्य कला। भारत में मध्य एशिया की विभिन्न जातियों की ने स्थापत्य कला की एक ऐसी शैली को विकसित किया जो कि आक्सिनिया, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, उत्तरी अफ्रीका आदि से प्रभावित थी। मुख्य रूप से नौकदार तिथियां, मेहराब, डाट आदि गुम्बद का प्रयोग किया गया जिसे इस्लामी कला का नाम दिया गया। गुलाम वंश की स्थापत्य कला। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में निम्न इमारतें बनाई गई थी: 1197 ईस्वी में दिल्ली में कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया जो कि एक हिंदू चबूतरे पर बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया। इस काल में बनाए गए इल्तुतमिश द्वारा मकबरा था उस जो कि उसके ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का था जो कि कुतुब मीनार के पास ही था। इसके अलावा गुलाम वंश के शासकों द्वारा स्थापित कला में कोई विशेष योगदान नहीं था। खिलजी स्थापित कला। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था परंतु अल्पकाल के होने के कारण स्थापित कला में उसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भारत का सुल्तान बना। इसने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनाया जो कि इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक कीमती रत्न समझा जाता है। यह एक वर्गाकार कक्ष है जिसके ऊपर गुंबद है। यह सारी इमारत लाल पत्थर से बनाई गई है किंतु सजावट के लिए सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा नगर भी बसाया गया जहां हजार सितम अर्थात हजार खंभों वाला महल बनवाया गया। इसी के साथ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास ही जमियत नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया जो अलाई दरवाजे के आधार पर ही बनाई गई थी। खिलजी काल की स्थापत्य कला का मुख्य विशेषता यह है कि मुसलमानों ने सजावट के लिए पत्थर के बेल, फूल आदि विषयों को स्थापत्य कला का अभिन्न अंग बना लिया था। तुगलकालीन स्थापत्य कला। तुगलक काल में स्थापत्य कला का विकास अधिक हुआ है। तुगलक वंश के शासन काल में घनी सजावट, विलासितापूर्ण वैभव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 2 इमारतें बनाई गई थी, तुगलकाबाद का नगर एवं दुर्ग में अपना मकबरा। फिरोज शाह तुगलक स्थापत्य कला का महान निर्माता माना जाता है। इसने अनेक शहरों, मस्जिदों, मेहराबों, मकबरों, बाग बगीचों का निर्माण करवाया था। उसने यमुना नदी के किनारे एक नई राजधानी फिरोजाबाद का निर्माण करवाया जो कि फिरोज शाह कोटला के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोज शाह ने अनेक मस्जिदों का निर्माण भी करवाया जिसमें काबा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अपने प्रधानमंत्री खान जहां का मकबरा भी उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत मानी जाती है। इसके अलावा कब्रुद्दीन ओलिया का मकबरा जो कि लाल गुम्बद से प्रसिद्ध है बनवाया गया था। सुल्तान द्वारा अनेक नगरों की स्थापना भी की गई जैसे फिरोजाबाद, हांसी, हिसार, फैजाबाद आदि। इसलिए भारतीय इतिहास में इसको शहरों का निर्माता भी कहा जाता है। सैयदकालीन
इमारतें। तुगलक वंश की समाप्ति के बाद सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश का भारत पर शासन किया गया। इस समय आलम अखबारों में मोहम्मद सैयद का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोट की मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण करवाया गया था। मुगल कालीन स्थापत्य कला। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को दिया जाता है, जो कि भारतीय स्थापत्य कला को पसंद नहीं करता था। बाबर भारत में अल्पकाल के लिए रहा। इसके द्वारा पानीपत की काबुली मस्जिद और रुहेलखंड में संभल जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा आगरा के निकट मस्जिद तथा हिसार फतेहाबाद के पास छोटी मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर के शासनकाल में सबसे पहली इमारत दिल्ली में हुमायूं का मकबरा था, जिसे अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था, जो कि ईरानी आदर्शों से प्रभावित थी। अकबर को स्थापत्य कला में गहरी रुचि थी। उसके काल में जो सुंदर इमारतें बनी हैं, उसके बारे में इतिहासकार अब्दुल फजल ने कहा है, सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है, उसे मस्तिष्क और हृदय के विचारों को पत्थर और गारे के रूप में देता है। अकबर के तत्कालीन शैलियों के बारे में यह समझा जाता है कि शिल्पकार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फतेहपुर सीकरी, जिसमें दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, मरियम का महल, जोधाबाई और बीरबल का महल, चार दीवारी के बाहर जमा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसके साथ ही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी की गई थी। जहांगीरकालीन इमारतें। जहांगीर की रुचि शिल्पकला की अपेक्षा चित्रकला और बागवानी में थी, इसलिए जहांगीर के काल में बहुत कम इमारतें बनी हैं। जहांगीर के काल में बनी इमारतों में एतमाउद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा लाहौर के समीप सहदरा में, जहांगीर का मकबरा जो कि नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया था आदि का निर्माण करवाया गया था। जहांगीर के काल में संगमरमर की पच्चीकारी का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। जहांगीर सांझाकालीन स्थापत्य कला। सांझा का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है, इसलिए सांझा को निर्माताओं का प्रिंस कहा जाता है। सांझा के शासनकाल में जो इमारतें बनाई गई, उन्हें प्रमुख रूप से दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मुसम्मम बुर्ज, मछली भवन, मोती मस्जिद आदि। सांझाकालीन स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता यह है कि इस समय लाल बलवा पत्थर की बजाय सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इमारतों में होने लग गया था। यह सफ़ेद संगमरमर का पत्थर मकराना में प्राप्त किया गया था। इसके अलावा 1668 ईस्वी में दिल्ली के पास शाहजहाबाद नामक नगर की स्थापना की, जहां लाल किले का निर्माण करवाया गया। इस लाल किले में मोती मस्जिद, हीरा महल, रंग महल, दीवाने आम प्रमुख इमारतें मानी गई। दिल्ली के पास ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो कि इसकी सबसे अच्छी इमारत ताजमहल थी। इसका वास्तुकार ईशा खां था। ताजमहल को दाम्पत्य जीवन का उदाहरण माना जाता है। औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य अथवा मुगल स्थापत्य कला का प्रारंभ समाप्त हो गया था, क्योंकि औरंगजेब को कला के प्रति कोई रुचि नहीं थी। उसने बहुत कम इमारतें बनाई। औरंगाबाद के पास अपनी पत्नी रुबिया उद्दौरानी का मकबरा बनाया, जो कि ताजमहल की नकल माना जाता है। इसे भारतीय इतिहास में द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसके अलावा लाल किले में मोती मस्जिद, लाहौर में जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा किया गया था।